कि भू माफियाओं ने मिली भगत करके जनप्रतिनिधि और कर्मचारियों से साठगांठ करके नदी नालों सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जे काफी कर लिए हैं और अभी भी अवैध कब्जे चालू हैं। हमने नगर परिषद आयुक्त को भी इस मामले से अवगत कराया था लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। छोटी मोटी कार्रवाई होती है। ये भू माफिया पहले छोटा मोटा पाड़ा बनाते हैं, फिर कुछ पशु बांधते हैं, पशु बांधने के बाद में वहाँ पक्का निर्माण कर देते हैं। आज नालों की स्थिति हो गई कि जगह जगह पानी आने की जगह नहीं मिल रही है, जगह जगह पानी भरा हो रहा है, बीमारियाँ फैल रही है। ये सब इन भूमाफियाओं की और जनप्रतिनिधियों की मिली भगत से हो रहा है। किस तरह से नगर भूमाफिया कब्जा कर रहे हैं और क्या है? ये धीरे धीरे छोटे छोटे बाड़े बनाते हैं, उसके बाद में गोवंश बांधते हैं, कोई भी जानवर लाके बांधते हैं, फिर बाड़ करते हैं, उसके बाद में धीरे धीरे कैबिन रखते हैं, फिर पक्का निर्माण करते हैं। नगर परिषद वाले आते हैं तो उनसे साठगांठ करके कुछ समझाइश करते हैं, उसके बाद निर्माण हो जाता है। ठीक है, आपका नाम? शंकर शर्मा, सामाजिक कार्यकर्ता। नदी नालों पे वो कहीं पे भी वो कब्जे नहीं हो रहे हैं क्योंकि उसमें हमने दो लेयर की वो टीम बनाई हुई है। एक लेयर की टीम है जिसमें SI है, जमादार है और उनका एक ये प्रभारी है, एक तो टीम वो होगी। दूसरी जो टेक्निकल विंग है जो विकास के कार्य करते हैं उनके क्षेत्र में भी अगर कोई अतिक्रमण होता है तो वो अवगत कराएं, उनके तोड़ेंगे। और तीसरा आमजन है या पार्षद है या किसी की कोई शिकायत है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। ऐसी कोई शिकायत है नहीं और है तो आप बताओ। नगर के राजारेड्डी क्षेत्र में जो नाले का चल रहा है, इंदिरा कॉलोनी में जो सरकारी जमीन नाला है उस पर लोग अवैध रूप से नगर परिषद की तारबंदी की हुई थी, उसको हटा के केबिने रख रहे हैं, बाड़े बना रहे हैं। नगर परिषद क्या कार्रवाई कर रही है? केबिने वाली तो जो अस्थायी अतिक्रमण है उनका तो आचार संहिता के बाद में अपने अभियान चलेगा। अस्थायी अतिक्रमण का आचार संहिता के बाद में अभियान चलेगा और जो कोई स्थायी अतिक्रमण है तो आप अवगत कराओ, उसको तुरंत प्रभाव से हटाया जाएगा।